friends, how are you all? Fine? Okay, really very good for you. Okay, so today we start our lesson number 4. Lesson number 4 is our noun. Okay, noun. In your grammar book, what is the book, my dear students? In your grammar book, lesson number 4. Lesson number 4 is our noun. Okay, noun means what is sangya. Ab सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाउन हम किसको बोलते हैं. ओके, हम उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए, राम पर्सन का नेम हो गया, भोपाल प्लेस का नेम हो गया, काउ एनिमल नेम, थिंग्स पैन पैन हो गया थिंग्स नेम और के अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं. पर्सन में किसी भी पर्सन के नेम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, इंजीनियर, बॉय, गर्ल, वुमन, मैन, ये सभी क्या हो गए? पर्सन हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए ना. एनिमल में आप किसी भी एनिमल का नेम ले सकते हैं. नेम ऑफ थिंग्स में चेयर हो सकता है, डॉल है, टेबल है, बुक्स, बेल, मतलब हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स होती हैं, नेम ऑफ थिंग्स बहुत सारी थिंग्स होती हैं, उन सबको हम नेम ऑफ थिंग्स में लेते हैं और वो सब क्या होते हैं? नाम होते हैं, संज्ञा होती है. ओके, नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ प्लेसेस, जगहों के नाम. ओके, कोई भी जगह हो सकती है, स्कूल हो सकता है, पार्क हो सकता है, गार्डन हो सकता है, बीच हो सकता है, शॉप हो सकते हैं, क्लासरूम्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, बैंक हो सकते हैं. मतलब इट मीन्स किसी भी जगह को भी हम क्या बोलते हैं? किसी भी जगह को भी हम नाम ही बोलते हैं. किसी भी सिटी का नेम हो सकता है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, किसी भी सिटी का नेम भी, कोई भी जगह का नाम भी क्या होता है? नाम होता है. काउ किसी भी एनिमल्स का नेम, कोई भी एनिमल हो सकते हैं. काउ के अलावा एलिफेंट है, डॉग है, लायन है, टाइगर है, हॉर्स है, डॉग, ओके, कैट है. मतलब इट मीन्स कोई भी एनिमल भी किस में आता है? नाउन में आता है. पैन, पैन में थिंग्स बता दिए, थिंग्स में जो भी हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स है, टेबल है, पैन है, चेयर है, हमारी डेली लाइफ की जितनी भी थिंग्स है, वो सब भी इसके अंदर आते हैं, नाउन के अंदर आते हैं. एक बार फिर से देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स. ओके, पर्सन डॉक्टर, आपको पर्सन डॉक्टर से पता चल गया, ऑब्वियसली एक डॉक्टर क्या होगा? पर्सन ही हो सकता है ना डॉक्टर, तो एनिमल या प्लेस हो, थिंग्स तो डॉक्टर हो नहीं सकते. ओके, डॉक्टर हुआ, टीचर हुए, इस तरह के वर्ड्स भी हुए. ये भी क्या है? ह्यूमन बींग्स होते हैं और किसमें आते हैं? पर्सन में आते हैं, है ना. अब क्या होता है, कोई बहुत सारी चीज़ों के नेम भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स, जैसे सारे मोबाइल्स होते हैं, बट उसके पर्टिकुलर नेम भी दिए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल रियलमी है, नोकिया है, सैमसंग्स है, मतलब ये मोबाइल के भी नेम होते हैं, वो भी नाम आते हैं. न्यूज़पेपर के नेम होते होते हैं हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दुनिया, है ना, दैनिक भास्कर, न्यूज़पेपर के भी नेम होते हैं. तो ये इस तरह के नेम भी किस में आते हैं? नाम में आते हैं. हमारे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रंथ हैं, जितने भी सबके धर्म होते हैं, सबके उनके ग्रंथ होते हैं, होली बुक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिंदू के लिए रामायण है, मॉडर्न्स के लिए कुरान है, और सिक्स के लिए गुरु ग्रंथ है. ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये भी नाम होते हैं, मतलब पर्टिकुलरली नेम भी दिए होते हैं. ओके, थिंग्स के भी नेम हो सकते हैं. फैन, उषा फैन है, कंपनी आदि, सबके अपने अपने नेम होते हैं. उससे हमें पता चलता है, अच्छा ये वो वाला फैन है. ओके, टीचर, आप टीचर तो बहुत सारे टीचर हैं आपके स्कूल में, बट अगर आप पर्टिकुलरली नाम लेके बता दें, अरे ये वो वाला टीचर है. ओके, तो पर्टिकुलर पर्सन का नेम, थिंग, प्लेस, एनिमल्स, ये सभी किसके अंदर आते हैं? ये सभी नाम के अंदर आते हैं. एक्सरसाइज देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द नाउंस. इसमें एक्सरसाइज दी है, आपको रीड करना है और आपको बताना है कि इसमें नाउन क्या है. अगर आपको पता है किसी भी, अगर कोई नेम आ रहा है, कोई प्लेस आ रहा है, कोई जगह का नेम भी आ रहा है, तो आप उसको अंडरलाइन करेंगे, खुद से करेंगे. देन अरेंज दीज नाउंस इन देयर सूटेबल कॉलम्स. एक पर्सन का कॉलम दिया, प्लेस का कॉलम दिया, एनिमल्स का कॉलम दिया और थिंग्स का. इट मीन्स पर्सन वाले कॉलम में पर्सन के नेम, एनिमल्स वाले कॉलम में एनिमल्स
your lesson number 4. Okay, so thank you and have a